प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। जय मां अपराजिता देवी की। सभी प्रियजनों का मां अपराजिता देवी के भव्य दरबार में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और साथ में हम अंजनी पुत्र हनुमान जी को भी प्रणाम करते हैं कि हनुमान जी की भी बड़ी विशेष कृपा आप सभी भक्तों पर हो रही है। और जब से हनुमान जी के दर्शन आपको हो रहे हैं तो हमारे पास बहुत से आपके ईमेल भी आ रहे हैं। हनुमान भक्तों ने धन्यवाद किया है कि उन्होंने बालाजी के दर्शन करके बहुत ही अनंत कृपा को प्राप्त किया है। तो आइए दर्शकों, श्री राम जी की अपार कृपा से हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और हनुमान जी को पहले पुष्प अर्पण करेंगे, उसके बाद तिलक धारण और शंखनाद के बाद इस कार्यक्रम की, इस लाइव प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे। तो बड़े प्रेम से प्रिय दर्शकों, आपको पता है कि श्री राम जी की कृपा जब होती है, जब उनका नाम हम लेते हैं, तो हनुमान जी तो अपने आप वैसे ही प्रसन्न अवस्था में आ जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति से हनुमान जी कोपित हो जाएं, तो सीधा श्री राम जी का नाम ले लेना। यदि आपको ऐसे लगता है कि आपसे हनुमान जी रुष्ट हैं, तो राम राम का नाम जपते रहिए, हनुमान जी तो अपने आप प्रसन्न अवस्था में हो जाएंगे और आप पर कृपा करना उनका कर्तव्य बन जाएगा। तो बड़े प्रेम से तीन बार बोलिए सच्चे मन से, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम भक्त हनुमान जी के चरण कमलों में आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से बड़े प्रेम से पुष्पम समर्पयामि। आइए दर्शकों, तिलक धारण करते हैं, उसके बाद शंखनाद होगा, ब्राह्मण देवता से तिलक धारण की प्रक्रिया करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंदाय नमो नमः। तो आइए दर्शकों, शंखनाद किया जाएगा। शंखनाद के बाद ये हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। जो भी प्रिय दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अभी तुरंत कॉल लगाएं और हम आपका पूरा प्रयास करेंगे आपके लिए कि आपकी कॉल जब इस कार्यक्रम में लगती है तो हनुमान जी की अर्जी लग जाती है और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। बाबूलाल। कहां से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से। अपनी उम्र बताएं। 46। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 20। अपनी माँ का नाम बताएं। बंसल देवी। तीन बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय। मैं ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। Thank you.
ओम। बेटा रोजगार को लेकर काफी समस्या दिखाई दे रही है, मेहनत करते हो फल नहीं मिलता बेटा, बरकत बेटा बिल्कुल भी नहीं है, और अभी लंबे समय तक काफी समस्याएं हैं, पैसा रुक रुक कर आएगा। कोई बेटा अभी हाथ का काम या कोई लकड़ी से संबंधित काम करते हो बेटा? हाँ, लकड़ी का ही काम करता हूँ। लेकिन कोई बेटा जितना लाभ मिलना चाहिए वो लाभ आपको नहीं मिल रहा है बेटा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। बहुत संघर्ष करते हो जबकि आपके अंदर बहुत ही कला है, आपको अपनी कला का पूर्ण फल नहीं मिल रहा। मंगल को प्रबल करें बेटा, लाल फूल और बेल की छाल, जो बेल का पेड़ होता है बेटा, थोड़ी उसकी छाल ले लेना, और लाल रंग के पुष्प, ये आपको बेटा क्या करना है बेटा, थोड़ा जल में डाल के रखने हर मंगलवार को, उसके बाद वो जल मंदिर में जाके बेटा शिवालय पे चढ़ाएं, वो छाल वो पुष्प भी उसके साथ ही चढ़ा दें। ये प्रक्रिया आप बेटा हर मंगलवार की कर दें। रोजाना बेटा किसी गरीब छोटे बच्चों को बेटा, छोटे जो बिस्कुट के पैकेट आते हैं बेटा, वो दो चार बच्चों को, गरीब बच्चों को अपने हाथ से नित्य दिन बांटना है। रोजाना रोटी पर गुड़ रखकर अपने हाथ से गाय को अवश्य खिलाना है। शुद्ध पन्ना रतन आप अपने कंठ में धारण करना। ग्रहों के अंदर आपको राहु की और अंगारक दोष यानी मंगल राहु की थोड़ी विशेष शांति भी अवश्य करवानी है। कभी भी बेटा जीवन में नशा नहीं करना, शराब का सेवन कभी नहीं करना। सदैव सत्य के मार्ग पे चलो, जीवन में किसी की झूठी गवाही मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। इन बातों का बेटा ध्यान रखो, भाग्य प्रबल होगा, राजयोग बनेगा और आपके रोजगार में अवश्य ही बरकत आ जाएगी। मेरी तरफ से बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। आपका बेटा स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। हरविंदर कौर गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पटियाला से गुरुजी। कार्यक्रम कब से देखते हो? मैंने तो एक हफ्ते हो गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी गुरुजी। झूठ बोलना भी नहीं चाहिए बेटा, अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम तो हरविंदर कौर है, जिसके बारे में पूछना है उसका नाम गगनदीप कौर है। गगनदीप बेटा आपकी क्या लगती है? बेटी लगती है। कितने वर्ष की है आपकी बेटी? वो 40 की है, 82 है उसकी बेटी। एक से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 26 गुरुजी। तीन बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा जीवन में ज्यादा सुख सौभाग्य और परिवार वालों का साथ आपकी बेटी को कम मिलता है। हाँ जी गुरुजी। दो बच्चे भी होने चाहिए इसके बेटा? बेटे दोनों गुरुजी। राइट, दोनों बेटे हैं ना बेटा? सास बहुत तंग करती है। सास की तरफ से परेशानी ज्यादा दिखाई देती है, बात बात पर ताना और खींचा कशी चलती है इसकी, बहुत बुरा हाल है गुरुजी। और पीठ पीछे इसकी बुराई भी करती है वो। हाँ जी, हाँ। परिवार वालों को, बेटे को इसके खिलाफ भड़काती है, मिसगाइड करती है। हाँ जी, हाँ जी। इसके पति कुछ बेटा ठेकेदारी का काम करते हैं। हाँ जी गुरुजी, ठेकेदार है। थोड़ा बेटा आप
बेटी को बोल देना उपाय जो दे रहा हूँ उसको बड़े प्रेम से करेगी, मन से, भाव से। सास गुरुजी नहीं करने देगी, मैं कर सकती हूँ। हाथ में जल लेके सूर्य देवता के सामने पहले संकल्प कर लेना बेटी के लिए कि हे सूर्य देवता, मैं हाथ में जल और पुष्प लेके संकल्प करती हूँ अपनी बेटी के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। मैं ये कार्य करूँगी, इसका पूर्ण फल मेरी पुत्री को प्रदान हो जाए। ऐसा आपको पहले संकल्प करना है, जल सूर्य देवता के सामने छोड़ देना बेटा। अब आपको बेटा करना क्या है कि गुरुवार के गुरुवार बेटा 4 केले बेटा और 400 ग्राम चने की दाल ये मंदिर में देनी है, और ये बेटा आपको 16 गुरुवार की ये प्रक्रिया करनी है। गुरुवार से 43 दिन लगातार बेटी को बोलना, माथे पर, कंठ पर और नाभि पर केसर का तिलक लगाएगी। एक रोजाना आपको या आपकी बेटी को बेटा मीठा नमकीन पराठा घर में रोज बनाना है। उसके बारीक टुकड़े करके बेटा कौओं को या पक्षियों को रोज डालना है। बेटी को ये अवश्य बोल देना कि हर रविवार के दिन, या आप भी ये उपाय कर सकते हैं, गाय को गुड़ अवश्य खिलाए, और सूर्य देवता को थोड़ा जल देना है बेटा हर रविवार को और शुक्रवार को थोड़ा कच्चा दूध डाल के। आपकी बेटी का बेटा सूर्य और गुरु दोनों थोड़े पीड़ित हैं, इसलिए बेटा सास की तरफ से परेशानी और थोड़ा सौभाग्य यानी यश कम मिलता है। ये थोड़ी बेटा शांति योग्य विद्वान से आप करवा सकते हो। अगर आपकी बेटी बेटा रतन धारण करना चाहे तो इसे बहुत ही अच्छा एक पीतांबरी पुखराज अवश्य धारण करवा देना। इसको एक बात की जानकारी आपने अवश्य देनी है, इसको ये बोल देना कि कभी भी जिस बेड पे ये बच्ची सोती है उस बेड पर ये बैठकर कभी भी खाना ना खाए। बेटा उपाय बड़े नियम से करो, जीवन में सुख मिलेगा। बहुत बहुत मेरी तरफ से विशेष शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? कौन सा नग धारण करना है बहुत समझ में नहीं। बेटा पीतांबरी पुखराज अब जल्दी से 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम 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 कल्याण। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताएं। प्रदीप त्रिपाठी गुरुजी। कहां से बात कर रहे हो बेटा? यूपी सिद्धार्थ नगर। अपनी उम्र बताइए। 36 साल गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 16। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। कस्तूरी देवी। 3 बार बेटा हृदय से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरुजी। हाँ जी। घर में बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा है, घर की सुख शांति भंग है, बरकत बिल्कुल भी बेटा नहीं हो पाएगी, घर में तनाव रहेगा। और कुछ आप अपने बेटा पुत्र को लेकर भी, उसके भविष्य को लेकर भी चिंतित रहोगे, कुछ बच्चे की तरफ से भी परेशानी आती है बेटा उसकी पढ़ाई, उसके करियर को लेकर। हाँ जी आता है जी। क्या नाम है आपके बेटे का? प्रतीक जी। प्रतीक। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 11 साल का। पढ़ाई पे अभी ध्यान नहीं लगा रहा? नहीं गुरुजी, खाली दिन भर घूमने लगा रहता है। आपको और आपके पुत्र को बेटा दोनों को गले में 5.25 रत्ती वजन का शुद्ध पन्ना धारण करना है।
हर मंगलवार की रात को बेटा थोड़ी सी साबुत मूंग की दाल जल में भिगो के रख दिया करो और बुधवार को उसको बेटा कबूतरों को पक्षियों को डाल दिया करो। वर्ष में एक बार हरी साड़ी और कुछ पैसे दक्षिणा बेटा किसी किन्नर को दान करनी है। इसके अलावा बेटा पान का पत्ता लेके आना है आपको, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ले आना, उसको कूट कर बेटा उसका रस निकाल लेना, उसको किसी कांच की शीशी में अपने घर में फ्रिज में रखना है। आपको और आपके बेटे को दोनों को पान के रस का तिलक नित्य दिन लगाना है और थोड़ी बेटा बुध और सूर्य की बेटा शांति अवश्य करवाएं। उसकी विधि की जानकारी हमारे आचार्य जी आपको प्रदान कर देंगे। शराब और किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो और रोजाना बेटा गाय को थोड़ा सा बेटा हरा चारा या पालक ये अवश्य खिलाया करो। उपाय करते रहिए, जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। जी हरिओम गुरु जी। जय हो बेटा आपकी। बेटा जल्दी से नाम बताओ अपना। बेटा नाम बताइए। बदल नाम नाम है गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? नागदा जसवंत से। अपनी उम्र बताएं। मेरी 54 है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 7। अपनी माँ का नाम बताओ। नीता भाई। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा सुन रहे हो बेटा मुझे? जी। काम में बेटा काफी परेशानी और बाधा चल रही है, रोजगार में बरकत नहीं है, जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्च और नुकसान हो जाता है। अभी कोई बेटा ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करते हो बेटा? बेटा कोई ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम तो नहीं करते हो बेटा? जी, लेकिन काम में कोई ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा बेटा, ऐसा ही हो रहा है? आपको बेटा थोड़ा शनि और राहु की बेटा समाधान करना है, जिससे आपको जीवन में अड़चनों और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, धन की हानि रुक जाएगी। एक तो बेटा जितना भी धन कमाते हो उसका 10वां हिस्सा बेटा गौ सेवा पर, संसार के कल्याण कार्यों पर, पशु पक्षियों की सेवा पर अवश्य लगाया करो। रोजाना बेटा आपको मंदिर में जाना है, थोड़ी ताजी हरी दूर्वा यानी घास लेके गंगा जल कच्चे दूध से धोकर मंदिर में जाके गणेश जी को चढ़ानी है। रोजाना बेटा थोड़े से भुने हुए चने और गुड़ गरीब बच्चों को या बेटा गाय को ये अवश्य दान करें, खिलाएं। 5.25 रत्ती का रूबी रतन बेटा आपको लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण करना है। शनि राहु की योग्य विद्वान से शांति अवश्य करवानी है। और बेटा आपको काले तिल और सूरमा का दान करना है किसी शनि मंदिर में। 400 ग्राम सूरमा, 400 ग्राम काले तिल लेके शनिवार को सूर्यास्त के बाद आपको किसी मंदिर में जाके दान करना है। घर के पश्चिम दिशा में जो शनि की दिशा होती है वहाँ पर एक सरसों के तेल का दीपक नित्य दिन लगाएं
जिससे शनि आपका शुभ हो जाएगा। आपके काम में कभी कोई कमी नहीं आएगी। शराब ना तो पीना, ना किसी को पिलाना। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। मनजीत। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी मैं लुधियाने से बात कर रही हूँ। हाँ बेटा, लुधियाने से। अपनी उम्र बताएं। मेरी 50 या 52 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 24। अपनी माँ का नाम बोलिए बेटा। बसंत कौर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा बृहस्पति और केतु का दोष है कुछ बेटा। पुत्र को लेकर समस्या दिखाई दे रही है। पुत्र के विवाह में अड़चन आ रही है बेटा। हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? कंवल दी। कितने वर्ष का है बेटा? 30 साल का होने वाला। बेटा 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहिए। बेटा एक चांदी का चकोर टुकड़ा आपको बनवाना है और शुक्रवार के दिन 1 मीटर सूती सफ़ेद कपड़ा 1.25 किलो चावल के साथ में उस चांदी के चकोर टुकड़े को सफ़ेद धागे से बांधकर घर के पूजा के स्थान पर बच्चे के हाथ से रखवा देना और बेटे को ये बोलना है कि रोज़ाना उस पोटली को कच्चे दूध का तिलक लगाए और शुक्रवार से 43 दिन लगातार बेटे को माथे पर दही का तिलक लगाना है। किसी भी बेटा शुक्रवार के दिन 400 ग्राम जौ दूध से धोकर जल प्रवाह करना है। 5.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज रतन इसको गले में धारण करवाएं और बेटा थोड़ी राहु की और मंगल की विशेष शांति बेटा आपको योग्य विद्वान से अवश्य करवानी है। बच्चा जीवन में कभी नशा ना करे, कभी शराब का सेवन ना करे और हो सके तो शुक्रवार के दिन किसी काली गाय को थोड़ा हरा चारा खिला दिया करे। इस बच्चे के जीवन में विवाह का योग और धन का योग दोनों ही एक साथ बन जाएंगे और आप इसकी माँ हैं। यह उपाय करने से आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। उपाय बेटा बड़े नियम से करना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी।
बेटा आपका स्वागत है, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अपनी उम्र बताएं। 34 इयर्स। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 32। अपनी माँ का नाम बताएं। रीना। तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा बड़ी स्वाभिमानी हो, गुस्सा भी आपको ज्यादा आता होगा बेटा। हाँ थोड़ा। विवाह बेटा अपनी इच्छा से किया था बेटा? हाँ जी। कभी कभी पति पत्नी से बेटा आपस में कुछ तनातनी हो जाती है आपस में? हाँ जी। क्यों झगड़ा करते हो बेटा? कुछ ना कुछ होता ही है गुरुजी, कोई मीनिंग नहीं होता लेकिन हो जाती है। आप बेटा थोड़ा सूर्य और मंगल का उपाय करें। सूर्य मंगल प्रबल हैं, प्रचंड हैं, जिसके कारण गृहस्थी में कला कलेश होता है। आपने कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में कोई इंजीनियरिंग कर रखी है बेटा? हाँ जी। अच्छी तरह बेटा सुन लो, जीवन में आगे अच्छी तरक्की और सफलता मिलेगी। राहु का उपाय हमेशा करते रहना, करियर में कोई रुकावट नहीं आएगी। आपको बेटा करना क्या है, आपको महीने में एक बार किसी भी बुधवार को एक सूखा बजने वाला नारियल लेना है और 1 रुपए के सिक्के के साथ में उसको सिर से 7 बार उल्टा वार कर जल प्रवाह करना है। आपके घर में किसी प्रकार का कोई भी बेटा खराब मोबाइल, कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बंद घड़ियां, कोटे सिक्के, जंग लगा लोहा, वेस्ट की रद्दी, पुराने कागज, पुराने कपड़े, पुराने जूते और फालतू की दवाइयां, ये घर पे कभी भी स्टॉक मत करना, इनको निकाल के बाहर फेंको। घर की छत आपकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए और सुबह बिना नहाए रसोई के अंदर प्रवेश मत किया करो। रोजाना बेटा आपको अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना है। वर्ष में एक बार मंगलवार को बेटा आपने अपने वजन के बराबर गुड़ गौशाला में दान करना है और वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर गेहूं आपने रविवार को किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करना है। काले नीले स्लेटी कपड़े आपने बिल्कुल नहीं पहनने। जिस बेड पे सोते हो पति पत्नी, उस बेड पर बैठकर खाना मत खाया करो भूल कर भी। और 2 मुखी यदि रुद्राक्ष और शुद्ध पुखराज रतन आप पहनोगे तो आपका भाग्य सौभाग्य कई गुना बढ़ जाएगा। उपाय बेटा बड़े नियम से करना और हो सके तो सुबह शाम जब भी पानी पीते हो तो तांबे के बर्तन में पानी पिया करो। इससे मन में शीतलता और मानसिक शांति की उत्पत्ति हो जाएगी। नियम से उपाय करिए बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, समय आगे बढ़ने की आज्ञा नहीं दे रही, लेकिन कल फिर आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे और चलते चलते हनुमान जी को 3 बार श्री राम जय बोल के प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी के चरण कमलों में पुष्पम समर्पयामि। ओम ओम ओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।